अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो दो तरह के टेबल मैंने देखा है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, एक इस तरह के और एक इस तरह के। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों किस तरह क्रिएट किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है टेबल प्रेस। सबसे पहले टेबल प्रेस इंस्टॉल करेंगे। टेबल प्लस इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद जाएंगे टेबल प्रेस में, ऐड ए न्यू टेबल। सबसे पहले इस तरह क्रिएट करेंगे। जितनी रोज रखनी है, जितने कॉलम्स रखने हैं वो सिलेक्ट करें, हेड टेबल। इसके अलावा आपने एक प्लगइन इस्तेमाल करना है, शॉर्ट कोर्स अल्टीमेट। टेबल क्रिएट करेंगे। तो बटन के लिए ये कोड इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे करते हैं टेस्ट 1, यहाँ पे करेंगे टेस्ट 2, यहाँ पे करेंगे टेस्ट 3, यहाँ पे करेंगे टेस्ट 4। यहाँ पे आप डाटा वगैरह लिखते हैं जो लिखना है आपने। अच्छा जी, तो उसके बाद इसको ऑन चेक कर दें। एक और हम दूसरी फील्ड्स में भी ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी, सेव चेंजेस, ये कोड कॉपी करेंगे और प्रीव्यू। अच्छा जी, ये टेबल क्रिएट हो गया इनका। अच्छा, ये कोड आप ऐड करेंगे उसमें कस्टमाइजर में। तो एडवांस सीएसएस में जाएंगे और ये यहाँ से कॉपी किया।
जी इसे इम्पोर्टेंट करते हैं। इसे भी इम्पोर्टेंट करते हैं। ये अब हमारा कलर चेंज हो गया, इसे रिफ्रेश करेंगे तो फिर भी नहीं जाएगा। अच्छा जी, ये होगी प्रोडक्ट क्रिएट। इसे आप लिंक कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अब से टेस्ट करते हैं। ये हो गया, ये https नहीं लगाया। ये अब जाएगा google.com पे। अच्छा जी, एक और चीज, अगर आप इस तरह क्रिएट करना चाहते हैं जो जंप करें, तो वो मैं आपको सिखा देता हूँ। इस तरह एक हेडिंग बनाएंगे, पोस्ट कर देते हैं, इसे हेडिंग बना लेते हैं। 10 और एडिंग पोस्ट पेस्ट कर। अच्छा जी, मैं चाहता हूँ कि ये लास्ट वन वाले पे जाए, तो मैं इधर एक स्पॉन टैग क्रिएट करूँगा। इसको आईडी दे दूँगा फर्स्ट। एक बात आपने याद रखनी है कि ये वाली आईडी और ये वाली आईडी सेम होनी चाहिए। तो सेव ड्राफ्ट किया, आप प्रीव्यू ट्राई करते हैं। अच्छा जी, सॉरी ये अभी तक सेव नहीं हुआ, इसे सेव कर लें। सॉरी, एक और चीज यहाँ पे है शायद। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब ये लास्ट वन पे चला जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम क्रिएट करते हैं सेकंड टेबल। टेस्ट टू, तीन तीन रख लेते हैं। अब हम ये वाला क्रिएट करेंगे। ये जी प्रोडक्ट ऐड कर दिया। अच्छा, तो ये वाला कोड इस्तेमाल करेंगे, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे ऐड करना है आपने इमेज का लिंक src डबल क्यूटेशंस के आगे यहाँ पे। अच्छा जी, इसे भी कर देंगे ऐड। और जो ऊपर शो होगा वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कि आवर टॉपिक।
पहले का है। बटन यही लगा लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ऐड करना, ऐड करेंगे और सेव ड्राफ्ट। पहले एक और पेज में ऐड हो गया था, अब प्रीव्यू। अच्छा जी, ये पहला टेबल है और ये दूसरा टेबल है, दोनों ऐड हो गए। अच्छा, ये अपडेट किया तो ये बटन हो गया अपडेट, इसका भी कोड प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको। अच्छा, तो ये कोड मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ये कोड आपने कस्टमाइजर में जाके, ये एडिशनल सीएसएस इसके अंदर पेस्ट कर देना है, स्टार्टिंग पे यहाँ पेस्ट करके पब्लिश कर देना है। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का शुक्रिया, और अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरे दूसरे ट्यूटोरियल भी पसंद आएंगे। अल्लाह हाफिज़।